समात पाबंदी से मुतालिक यूट्यूब का मवाद पेश करने की हिदायत कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ पाबंदी का मवाद मंजर आम पर क्यों नहीं लाया जा रहा है। अदालत चेयरमैन पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से यूट्यूब पर 10,000 किस्म का मवाद पड़ा है, जबकि अदालत टीवी चैनल्स को किसी मवाद की बुनियाद पर ही नोटिस जारी करेगी और यूट्यूब पर पड़े मवाद का टीवी चैनल्स के मवाद से लेना देना नहीं है। वकील चेयरमैन पीटीआई टीवी चैनल से मुंसलिक एंकर्स और सहाफ़ी ही तो यूट्यूब पर पाबंदी का बता रहे हैं। अदालत ने कहा कि पैमरा तो पहले से ही कह रहा है कि कोई पाबंदी नहीं है। अदालत के बार बार कहने के बावजूद भी आप यूट्यूब के मवाद को अदालत के रिकॉर्ड पर क्यों नहीं ला रहे हैं और अदालत का कितनी पेशियाँ हो गई हैं। अदालत के सामने कोई तो मवाद लाया जाए जिस पर टीवी चैनल्स को नोटिस किए जा सके। अदालत सारी दुनिया को ही असल हकायक का पता है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने सरबराह पीटीआई के दरख्वास्त पर समाअत की। पैमरा के वकील हारून ने भी अदालत पेश हुए, जबकि पैमरा से हतमी जवाब तलब कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई के वकील और बैरिस्टर अहमद पनसोता ने दलाइल दिए हैं। चेयरमैन पीटीआई की आवाज़ के साथ उनको ही बंद कर दिया गया, मौकफ अपनाया गया। कानूनी तौर पर सियासी जमातों को बराबरी के उसूल पर ही टाइम मिलना चाहिए और कानून का ये तकाजा है, मौकफ अपनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तकरीर पर नशर करने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया था और ये मौकफ अपनाया गया है कि अदालत ने पैमरा को हदायत की है कि चेयरमैन पीटीआई की तकरीर पर नशर करने पर कोई पाबंदी ना लगाई जाए। मजीद आगाह करेंगे अब्दुलरहमान, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सख्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुलरहमान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तकरीर पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर यूट्यूब का जो मवाद है पाबंदी के हवाले से वो अदालत में पेश करने के अहकाम सादर किया है, जबकि लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने रिमार्क देते हुए कहा कि पैमरा तो पहले से ही कह रहा है कि कोई पाबंदी नहीं है, टीवी चैनल से मुंसलिक एंकर्स और सहाफी ही तो यूट्यूब पर पाबंदी का बता रहे हैं। अदालत के बार बार कहने के बावजूद यूट्यूब के मवाद को अदालत के रिकॉर्ड पर क्यों नहीं लाया जा रहा, कितनी पेशियां हो गई हैं, अदालत के सामने कोई तो मवाद लाया जाए जिस पर टीवी चैनल के नोटिस किया जा सके। सारी दुनिया को ही असल हकाई का पता है। चेयरमैन पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से यूट्यूबर 10,000 किस्म का मवाद पड़ा है। अदालत ने मजीद रिमांड देते हुए कहा कि अदालत टीवी चैनल को किस मवाद की बुनियाद पर नोटिस जारी करेगी। अदालत ने पाबंदी से मुतल मवाद पेश करने की हिदायत करते हुए केस की मजीद समाज में आइंदा आफ्ता के लिए मुलतवी कर दी। जी अब्दुलरहमान, इस हवाले से हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और ये भी बताइएगा लाहौर हाईकोर्ट से ही जहां जड़ावाला सानिहा की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए दायर दरख्वास्त की समात अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करने के लिए दरख्वास्त गुजार को 3 दिन का वक्फा दे दिया है, इस हवाले से क्या तफसीलात है? बिल्कुल, जड़ावाला सानिहा की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए दायर दरख्वास्त की समात करते हुए लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने दरख्वास्त गुजार को रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करने के लिए 3 दिन का वक्त देते हुए पिटीशन वापस कर दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने जुडिशियल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पिटीशन के हमरा लिखना करने का एतराज जो है आयद कर रखा है, जबकि दरख्वास्तगार ग्रेस बाइबल फेलोशिप जज पाकिस्तान के वकील ने दलाइल दिए। उन्होंने बताया कि पुरतशद्दद हजूम ने 25 गिरजाघरों और मसीहों के 200 घरों को आग लगाई, जिसमें मसीहों ने मौका पर भाग कर अपनी जानें बचाई। सानिहा के बाद से अब तक मसीह बरादरी अदम तहफ़ का शिकार और बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अदालत से इस्तदआ है कि अदालत वकूआ की जुडिशियल इंक्वायरी करने और सीसीटीवी फुटेज के जरिए मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियों का अहकाम सादर करे। जी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियों का हुक्म सादर करे, इस हवाले से अब्दुलरहमान आप हमें आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन आपको आगाह करें हैं जड़ावाला का लाहौर हाई कोर्ट में जड़ावाला सानिहा जड़ावाला की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत का ये मामला है।